कि मुसलमानों ने एक बंगाली परिवार को एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए उनकी उनकी हत्या भी करी और उनकी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हड़प ली। तो अपन बोलेंगे कि ये लैंड जिहाद का मामला है। जय सियारा, हरिओम। G20 समिट चल रहा है, अब पूरी दुनिया के शीर्ष के नेतृत्व जो हैं वो भारत में हैं। भारत विश्व नेता बनने के रास्ते पे है, लेकिन ये जो G20 समिट है वहाँ तो दुनिया भर की समस्याएं, दुनिया भर की योजनाएं और दुनिया एक कैसे हो, वन वर्ल्ड वन सिस्टम, पता नहीं क्या क्या बात हो रही है। लेकिन अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ कि एक करोड़पति महिला ने जब दो मुसलमान मजदूर कहिए या रोज कमाई करने वाले तिहारी पे ठेला पे फल लगाकर बेचने वालों की मदद की तो क्या हुआ, है ना? अपराधी तो कोई भी हो सकता है ना। अब वो ये सोच के कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो अपराधी हो सकता है, तो क्या आप अपने अंदर का जो इंसानियत है उसको मर जाने देंगे? अब वो सामने वाले का चरित्र भैया, वो अपराधी होता है तो हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे? लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर सामने वाले का मजहब ईमान ऐसा है कि वो जो कर रहा है आपके साथ वो उसका ईमान है, उससे उसको जन्नत मिलती है। मेरा मतलब ये है कि आप जिसको अपराध कह रहे हैं वो सामने वाले के लिए ईमान है, तो फिर आपको संभलने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप काफिर हैं तो वाजिब कत्ल हैं, आपकी स्त्रियां माले गनीमत हैं, तो जो काफिर है वो अगर वाजिब कत्ल है तो उसकी संपत्ति को लूटना, उसकी संपत्ति को हथियाना तो और बड़ा ईमान है, समझ रहे हैं ना। और उसकी स्त्रियां जो हैं वो माले गनीमत हैं, वो उसको भोगना उनका ईमानी दायित्व तो है, या फिर कहिए कि ईमान वाली बात है। जो दुनिया में चल रहा है ना, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये वो लमाका ढमाका, पूरी दुनिया जो G20 के जो देश हैं वो सब भी लगे पड़े हैं उसका रास्ता ढूंढने के लिए, है ना, अपने अपने तरीके से अपने अपने देश को सुरक्षित करने के लिए। उस सेकुलरिज्म का जो भूत है लोगों से उतर गया है। खैर, अभी मुद्दे की बात ये है कि एक वकील साहब हैं जबलपुर के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर प्रशांत पाठक, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, एक केस हाथ में लिया है और उनका कहना है, उनकी मांग है कि हमने जो केस लिया है हाथ में वो हर जन तक को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और ये जो केस है उस पर तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बहुत ऊंचे दर्जे का, उस FIR होनी चाहिए, और उन्होंने कोर्ट में शायद केस डाला है। तो लेकिन उससे तो बात बनेगी नहीं, कोर्ट को तो सबूत चाहिए, कोर्ट को तो FIR चाहिए। ये बड़ा ही खतरनाक है, दर्दनाक घटना है। डॉक्टर प्रशांत पाठक वकील जो हैं जबलपुर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी बाइट आपको सुना, उनका पूरा स्टेटमेंट आपको सुना, जो ट्विटर पे होंगे जो एक्टिव हैं वो हो सकता है सुन भी लिया हो, ये 2 दिन पुरानी घटना है, लेकिन ये हर जन तक पहुंचनी चाहिए। हरिओम। वकील साहब डॉक्टर प्रशांत पाठक जी ने जो कुछ कहा है वो आपको अभी हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले डाटा दे दें, फैक्ट क्या है, हर एक तक पहुँचाइए इसको। इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, अगर आप इसको ट्वीट कर सकें या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को बता सकें, टैग कर सकें, तो बहुत जरूरी है। देखिए है क्या कि जबलपुर मध्य प्रदेश की घटना है और ये हिंदू बंगाली महिला परिवार की घटना है। ये महिला का नाम था प्रभा मुखर्जी, इनके 2 बेटे थे, 38 साल का एक बेटा और 40 साल का बेटा था, और ये करोड़पति लोग थे, है ना, और 700 करोड़ की इनकी संपत्ति थी, है ना, बहुत बड़ा मतलब कुछ बिघे ज़मीन और फिर शहर में करीब 100 करोड़ की कुछ संपत्तियां, वो सब वकील साहब बताएंगे आपको, आप सुनिएगा, है ना। तो हुआ क्या कि इनकी यहाँ 2 फल वाले मुसलमान लड़के जो फल बेचा करते थे वो गए इनके पास,
एनालिसिस हम बाद में करेंगे। कहानी सीधी इतनी है कि उन्होंने उस महिला से कहा कि आप मुझे यहाँ, आपके पास तो बहुत बड़ा कैंपस है, हम फल बेचते हैं, यहाँ पर मेरे को ये ठेला रखने दो और रात को जब हम जाएंगे तो फल आपके कोने में रख देंगे, सारा सुरक्षित रहेगा और बदले में आपको कुछ शायद किराया भी दे देंगे। ये सोचने की बात है। देखिए पहले तो खैर एनालिसिस बाद में करेंगे, मैंने कहा है अभी सिर्फ इतना है कि ये करोड़पति लोग जो हैं उनको ये थोड़े से 1500 कितना किराया देता होगा, उसके चक्कर में भी उन्होंने बात स्वीकार कर ली। खैर तो इंटीमेसी बन गई, वो फल वाले जो मुसलमान लड़के थे उनकी प्रभा मुखर्जी से बहुत अच्छी इंटीमेसी हो गई। ठेले पे फल बेचने वाले मुसलमान लड़कों को जब प्रभा मुखर्जी ने जगह दी कि तुम अपना ठेला रख सकते हो, यहाँ अपने फल रख सकते हो, उसका नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते उनका जो छोटा बेटा था 38 साल का, उसकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिनों बाद उनका जो 40 साल वाला बेटा था उसकी भी रहस्यमय मृत्यु हो गई। उसके बाद वकील साहब कहते हैं कि इस स्त्री को, प्रभा मुखर्जी को, वो लोग किसी और मोहल्ले में ले गए और वहाँ भी उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। जब ये दोनों बच्चे और माँ की रहस्यमय मृत्यु हो गई तो प्रभा जी का विल आया बाहर, उनका उनकी वसीयत आई। उन्होंने अपने वसीयत में कहा था कि उनकी जितनी भी चल अचल संपत्तियाँ हैं वो सब के सब इन दो ठेले वाले फल, ये ठेले पे फल बेचने वाले मुसलमानों का है, बच्चों का है। और इसको, उस वसीयत को उन लोगों ने दिखा दिखा के सारी संपत्तियाँ अपने नाम की और उसे बेचना शुरू किया। लगभग 500 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां वो बेच चुके थे। तो बात यहां के खुली कि जब ये वकील साहब इन्वेस्टिगेशन में गए तो इनको पता चला कि श्मशान घाट में जबकि प्रभा मुखर्जी की मृत्यु हुई थी तो वहाँ 3 लोग गए थे, ये दो फल ठेले वाले, ठेले पे फल बेचने वाले मुसलमान बच्चे, और तीसरा प्रॉपर्टी ब्रोकर था जिसका नाम था दर्शन आहूजा। तो ये 3 लोग वहाँ गए थे। प्रकरण कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ फुहारे में खादी भंडार के पास में एक बंगाली हिंदू परिवार रहता था जो कि मालगुजार, उसके जबलपुर जिले के आसपास के गांवों में लगभग 500 एकड़ ज़मीन और जबलपुर शहर के अंदर भी करीब करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें फुहारे में लगी हुई लगभग 1 एकड़ खाली प्लॉट है, अभी पहले बिल्डिंग बनी हुई थी और उसके अलावा अंधेरे हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो इस प्रकार लगभग 500-700 करोड़ की टोटल उस परिवार की प्रॉपर्टी थी जो कि बंगाली हिंदू महिला थी। उसके 2 बेटे थे, एक 38 साल का और एक 40 साल का। तो उस परिवार के मकान के सामने 2 मुस्लिम आए, वो ठेला लगाते थे, वो फल बेचा करते थे। उन्होंने वो अम्मा जी से रिक्वेस्ट करी कि हमें शाम को, आपका बहुत बड़ा परिसर है तो हमारा ठेला जो है ये शाम को आपने यहाँ पार्क कर ले दिया करिए, वो फल की टोकरियाँ हम आपके एक कमरे में रख देंगे, उसके बदले में हम आपको किराया, मासिक किराया दिया करेंगे। वो ऐसा इस प्रकार से उनसे घनिष्ठता बनाई और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ में पहले एक लड़का की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जवान लड़के की 38 साल की। उसके बाद उनके दूसरे लड़के की भी 40 साल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद जो है वो महिला अकेली बची, तो जैसा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन बोलता है कि उस महिला को वो लोग वहाँ से उठा के नए मोहल्ले में ले गए कहीं, और उसके बाद वो महिला की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसके बाद जब ये मौत हो गई तब उन मॉमडन्स के पास में 2 रजिस्टर्ड विल उस महिला की मिली, जिसमें ये लिखा था कि जितनी भी चल अचल संपत्ति उस बंगाली परिवार की है वो सारी की सारी उन फल ठेले वालों को वो उनको विल करती हैं। उस विल के आधार पे उन 2 मॉमडन्स ने, जो आरोपी हैं, उन्हें भिन्न भिन्न तहसीलदारों के यहाँ जाके उस विल के आधार पे अपना नामांतरण कराया, और नामांतरण कराने के बाद अधिकांश प्रॉपर्टियाँ जो है वो बेच चुके हैं। जब शमशान घाट का इन्वेस्टिगेशन किया गया
तो वहाँ शमशान घाट के रजिस्टर में लिखा पाया गया है कि उसको, उस बुढ़िया को जिनका नाम प्रभा मुखर्जी था, उनको मौत के बाद में शमशान घाट ले जाने वाले दो मुस्लिम आरोपी जो हैं वो था, और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर दर्शन आहूजा। इस सब की शिकायत की गई है, जिसकी कि FIR होना चाहिए और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, किन परिस्थितियों में दो जवान लड़कों की मौत हुई और किन परिस्थितियों में वो उस महिला की मौत हुई, किन वो पैसा जो 500-700 करोड़ रुपए आया है किन किन के खातों में गया है, उसके असली बेनिफिशरी कौन है, और इसके पीछे जो लैंड, इसको अपन बोलेंगे कि ये लैंड जिहाद का मामला है कि मुसलमानों ने एक बंगाली परिवार को एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए उनकी उनकी हत्या भी करी और उनकी 500-700 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हड़प ली। मैं डॉक्टर प्रशांत पाठक एडवोकेट हूँ, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या कोई वसीयत उसके नाम करता है? उनको पता था कि उसके बेटे मर जाएंगे, दोनों बेटे मर जाएंगे, वो खुद मर जाएंगी, हैं? और फिर वसीयत किया उसके नाम। तो ये आप लोग सुनिए, समझिए, एक हिंदू बंगाली महिला ने दो मुसलमान ठेले वालों को जगह दी, उसका परिणाम में उनके दोनों बेटे मर गए, वो खुद मर गई, और पूरा का पूरा 700 करोड़ जो है। अब ये वकील साहब कहते हैं कि ये 500-700 करोड़ जिस जिसके खाते में आए उसकी जांच हो, पता चले, उन संदिग्ध मौतों की जांच हो, तो ये सब ठीक है, जांच हो। अब उन्होंने केस उठाया है, बीड़ा उठाया है, तो बातें उठेंगी और दूर तक जाएंगी। लेकिन आप सब ये समझिए कि अगर किसी का ईमान, उस किसी का मजहब आपको ख़त्म करना है, आपकी संपत्ति को हथियाना है, आपकी स्त्रियों को माले गनीमत समझना है, आप अगर काफिर हैं तो आपका मारना, पीटना, संपत्ति लूटना, आपकी स्त्रियों को भोगना उनका दायित्व है, उनका ईमान है, उनका नैतिक कर्तव्य है, और फिर आप इतना सोचकर, समझकर, जानकर भी अगर ऐसी गलती करते हैं तो आप ये अधर्म कर रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए, न सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, क्योंकि अपराध नहीं है ये, आपकी नज़र में अपराध है, उनकी नज़र में ये तो ईमान है। अरे एक स्त्री जो बंगालन थी, हिंदू थी, उसके 700 करोड़ की संपत्ति थी, एक ठेले वाला उसके यहाँ घर में गया और उसे उसने दोस्ती करी और करीबी हुई, उसको माँ बोला होगा, पैर छुआ होगा, खत्म पूरा परिवार, उतनी संपत्तियाँ खत्म। आपको इसके तो कई उदाहरण है ना, भारत जैसे देश में ही है ना, कश्मीर उदाहरण है ना, आजकल वो मणिपुर उदाहरण है ना, वो तमिलनाडु का एक पॉकेट में 70% उनकी आबादी हो गई, तो उन्होंने कहा कि मंदिरों से पूजा ख़त्म करो, हम नहीं चाहते, इनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, तो हाई कोर्ट में बात गई, तो हाई कोर्ट ने फिर उसको कहा कि मेजोरिटी तुम्हारी हो जाएगी तो तुम दूसरे धर्म को, दूसरे आस्था को नहीं सुनना चाहोगे तो तुम खुद कहाँ रहोगे, जो भी होगा। हाई कोर्ट ने उसको थप्पड़ मारे और उसको ख़त्म किया, जबकि तमिलनाडु सरकार ने उसको मान लिया था। बात इतनी सी है कि आप थोड़े से लोभ में, लालच में, थोड़ी सी इज्जत में, प्रतिष्ठा में जो आपको तत्काल दिखाई देती है वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म करती है। वो करोड़पति महिला पता नहीं 500-1000 कितने रुपए देते होंगे महीने का, उस लालच में आ गए और उसने ये बात समझी भी नहीं। वैसे कहते हैं बंगाली हिंदू, अरे भैया बंगाली हिंदू क्या होता है? आप हिंदू हो, सनातनी हो, चाहे जो भी हो, आप हिंदू हो, सनातनी हो, समझो आप काफिर हो, आप उनके लिए वाजिब कतल हो, आपकी संपत्ति उनकी है ना, उनके लिए ये जो धरती है वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ उनको बार बार पैदा होना है, ख़त्म होना है उनको, यहाँ एक ट्रांजिशन कैंप है ये, उनको कहीं और जाना है। बात इतनी सी है कि बहुत ख़तरनाक बात है, बात इतनी सी है कि इसको गहराई से सोचकर समझकर जीने की ज़रूरत है, बात इतनी सी है कि अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इसे और लोगों तक पहुँचाइए। ये क्या कोई छोटी बात है? बताइए, आपके घर में कोई मजदूर आता है एक दिन के लिए काम करता है और वो इतने प्यार से आपसे मिलने लगता है कि उसको आप वो अपने त्योहारों पे बुलाने लगते हैं, वो आने लगता है, आपको टीका, आप टीका लगाती हैं, लगा लेते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, खिला लेता है, वो पार्ट ऑफ द फैमिली हो जाता है, और अचानक से एक दिन आपके घर में कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, आप समझ नहीं पाते क्या हुआ। ऐसी गलती मत कीजिए, ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो भुगतने को तैयार रहिए। मान के चलिए आपने अधर्म किया है और उसकी सजा आपको मिली है,
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सावधान रहिए, G20 समिट के जो देश हैं वो भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ इसकी चर्चा सुनाई नहीं देगी, ये जमीन पे दिखाई देगी। और इससे बड़ी घटना अगर आपने पहले सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय सियाराम, हरिओम।